बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के हालात। अब मुझे, मैं डिफरेंट चैनल्स पे गई हूँ और मैं वहां पे जाके बातें की हैं मैंने पाकिस्तान के बारे में। एंड यू नो कि वहां पर एक तो इमरान खान के ऊपर खूब इमरान खान जो है उनके ऊपर काफी बातें हो रही हैं आजकल, राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर बीइंग सेड अबाउट हिम। हर रोज ही होता है कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। अभी उसके उनके घर के बाहर लोग आ गए, हाय ओम जी क्या हाल है आपका। तो उनकी रोजाना कोई ना कोई ट्वीट आती है कि अब मेरे घर पे लोग आ गए हैं, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, हालांकि इतने सारे लोग हैं। खैर, एनी हाउ ऑल दैट इज गोइंग ऑन। और ये ड्रामा कब से चल रहा है यार? ये इमरान खान को उतारे हुए कितना अरसा हो गया है, तब से ये ड्रामे चल रहे हैं। सीरियसली मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये ड्रामे कब तक चलेंगे और कब उनको अरेस्ट किया जाएगा। कब अरेस्ट हो रहे हैं तुम्हें पता है कुछ नगेंद्र जी? इनको अरेस्ट करके कब लेके जाएंगे? अरेस्ट अगर कर भी लेंगे तो उन्हीं के साथ आ जाएगी जनता और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इमरान खान वो है जिसने फौजी के खिलाफ कर दिया जनता को, ये तो अचीवमेंट है उसकी। थोड़ा प्रॉब्लम तो है अरेस्ट करने में। हाँ ये तो है। अभी आई डोंट नो कि क्या होगा पाकिस्तान का, मगर इतना तो हमको पता है कि वहां पर महंगाई जो है वो उरूज पे पहुंची हुई है। जब इमरान खान था तब भी महंगाई थी, अब ये लोग आ गए अभी भी महंगाई है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पाकिस्तान को कोई नहीं ठीक कर सकता है। ये सारे जितने बैठे हैं आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये सब खाने पीने के लिए बैठे हैं। इनमें से कोई पाकिस्तान की तो भलाई करने के लिए बैठा ही नहीं है। एंड दे आर ऑल गोइंग टू डू इज ईट ईट ईट। और आप लोगों को महंगाई 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 आप पे होगी। और इन अ वे अगर मैं देखूं तो ये चीज यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी जो हमारी गवर्नमेंट है वो बैठ के खा रही है। हाँ ये अलग बात है कि हम टैक्सेस पे करते हैं तो हमारी सड़कें बनी हुई हैं, हमें थोड़ी बहुत सहूलतें हैं, बिजली आती है यहाँ पर, पानी आता है, यू नो वो सहूलतें हमको हैं, फिर भी पाकिस्तान से फिर भी बेहतर है। बट करप्शन यहाँ भी है, मगर वहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ तो चलो एक हमको वो होता है कि भाई कोई शायद खड़ा हो सके, जो एक ऑप्शन हमारे लिए, एक उम्मीद है यहाँ पर, फिर भी पाकिस्तान के लिए तो देयर इज नो उम्मीद। और मुझे बहुत वो फील होता है कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं उनके फ्यूचर के लिए कि दे हैव नो फ्यूचर। उनका क्या फ्यूचर होगा? उनका फ्यूचर जिहादी बंद नहीं है सिर्फ, क्योंकि वो और ही और जो है जिहाद की तरफ ही जा रहे हैं। आज मैं कोई एक वीडियो देख रही थी रमजान में भी कि पागल हो गए, रमजान आता है पागल हो जाते, एक दूसरे को कुत्ते की तरह काटने के लिए आते। यानी रोजा आया इसका मतलब ये थोड़ी है तुम भूख में कुत्ते की तरह पड़ जाओ किसी के ऊपर। और हर किसी का ऐसा मनहूस मूड होता है पाकिस्तान में, ऐसा मनहूस मूड लेके घूम रहे होते हैं। जॉब पे जाएंगे तो वहां जॉब नहीं कर रहे हैं, बैठे ओए रोजा है मेरा रोजा। अरे भाई रोजा करके तुमने एहसान करा है, अपने लिए रोजा रखा है ना, काम तो करो ना। ये बड़ी चीज होती है पाकिस्तान में, जब रोजा रख लो ना रोजा रख के सो जाते। आओ भाई रोजा रख के सोने का नहीं होता, रोजा रख के इबादत करो, रोजा रख के सोने का नहीं है। यू नो यू हैव टू बी लाइक या यू नो व्हाट आई मीन। मैं एक सच्चा मुसलमान, पांचो वक्त का नमाजी कोई, मैं का लाल आपको जय। अब्दुल कादिर जी आप प्लीज उर्दू सीख लें, हिंदी सीख लें, इंग्लिश सीख लें, कुछ सीख लीजिए, देन यू आप अपनी आश की मुझ पे छाड़ा करें। सो ये वीडियो कहाँ गई? वो वीडियो मैं दिखा रही थी, हैंग ऑन मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ। ट्विटर पे चलते हैं, हम ट्विटर पे चलते हैं और देखते हैं क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। ट्विटर इज माई फेवरेट प्लेस टू फाइंड ड्रामा, देयर इज ऑलवेज सम ड्रामा। पाकिस्तान का नाम लिखो और देखो क्या होता है। पाकिस्तान आटा, सो अगर आपको ये न्यूज नहीं पता चली है तो पाकिस्तान में आई थिंक 11 लोग मर गए हैं। और ऑब्वियसली अवाम को आटा मिल नहीं रहा है, ठीक है, अवाम हो रही है पागल। जब आप और यही होगा, अभी लोग जो है सड़कों पे भूख से मरेंगे, फिर यही लोग, इन लोग जब तक घरों में नहीं घुसेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये देखो Oh my God!
ये देखो, ओ माय गॉड, ये बेचारे बच्चे ऐसे कैसे जी सकते हैं। देखिए शक्ल ही नहीं है, कोई होल भी नहीं है यहाँ पर, तो देख के ये कहाँ का वीडियो है मुझे नहीं पता, ये कहाँ का वीडियो है, मगर दिस इज क्रेजी। ये लिखा हुआ है अनदर वीडियो ऑफ अ ट्रक कैरिंग फ्लोर आटा बीइंग लूटेड इन पाकिस्तान, रिपोर्टेडली वन वुमन डेड एंड फ्यू इंजर्ड इन साहिवाल पार्क ड्यूरिंग स्टैम्पीड ऑफ आटा। ये स्टैम्पीड आटे की वजह से, ये ट्रक में आटा था, इसको लूट रहे थे लोग। ये एक और वीडियो आप देख सकते हो यहाँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, दिस इज सम काइंड ऑफ ग्रुप थिंग दैट्स फेमस। हाँ ये क्या कर रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा इधर थोड़ा सा। ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है, एकदम चिपट रहे हैं आटे की लाइन पे जो है। वाओ, तोबा तोबा तोबा, देखो मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं, इसको देखो मजे ले रहे हैं, लाइक सीरियसली शक्ने देखो ये भी हंस रहा है, देखो देखो हंस रहा है, ओ बेचारा ये, ओ माय गॉड, वाओ, मजे ले लेके, मजे ले लेके, मजे लो मजे लो। ये एक ये वही वाला वीडियो है, द वीट सप्लाइड बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट टू फ्लावर मिल्स ऑफ संबल फ्रॉम व्हिच फ्ली फ्लावर्स, मीनवाइल पीपल इन पेशावर, पेशावर में आटे के लिए लड़ रहे। ओ नो, लोग मर रहे हैं, लिटरली अब मर रहे हैं लोग, पीपल आर स्टार्विंग, नहीं दे रहे हो, आनू नहीं दिया, मैं सुबह से 8 बजे भी आई हूँ, चलो दी कंडी आई है, नहीं दे रहे हो, आनू नहीं दिया, की क्या की उन्होंने के है नहीं आटा, या बस चले जो बीबियां नहीं देना, बीबियां नहीं देना, बंदियां नहीं देना, उसे बंदियां दे रहे हैं, कच्चे अच्छे खड़ रहे हैं, इन्होंने भी नहीं दिता, इन्होंने क्या बस चले जो नहीं, यानी कि मर्दों को देना आटा बंद कर देते हैं, भाई ने देख तो चलो मारी जा रहे थे धक्के दे के, भाई जा दे रहे ने सानू नहीं दे रहे आटा, असि भी गरीब करते हैं, असि कह रही है धक्के मार मार के औरतों को, मर्द जो है आगे घुस घुस के आटा ले रहे हैं, हम लोग नहीं दे रहे, चलो रोवो ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ थानू आटा, मैं बहन मेरी रो रही है, इसके आंसू गिर रहे हैं, मैं सुबह से 8 बजे भी आई हूँ, ये अहल है और उसके बाद भी आटा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं कह सकता मैं, अल्फाज नहीं है, क्या कह सकते हैं सीरियसली। मर्द बन के जो बैठते हैं ना कि हाँ हम मर्द हैं, हम मर्द हैं, हम मर्द हैं, वही सबसे आगे बैठे हुए होंगे, दिस इज सच अ सैड सिचुएशन, दिस इज सो सैड टू सी कि इस तरीके से आपने अपनी आवाम को इस तरीके से भूखा मार रहे हो, और खुद आटे से भी कीमती चीजें, इस्लाम है ना, इस्लाम इस्लाम से बड़ा क्या है, ये तो खुद ही बोलते हैं इस्लाम बचाएगा, इस्लाम बचाएगा आटे में ले आज। ओह माय गॉड, ये वाला वीडियो देखो, ये वाला देखो जरा, मैं अभी देख रही हूँ सारे, दिस इज अ ब्लाइंड रिएक्शन टू दिस, क्योंकि मैं ये सारे वीडियोस, मैंने एक दो वीडियोस देखे थे, मगर ये सारा वीडियो आई मीन लाइक ये मैंने नहीं देखे, तो दिस इज माय ब्लाइंड रिएक्शन टू दिस व्हिच इज रिडिकुलस कि ये चीज हो रही है। चादर उड़ी हुई है, ये कोई रहने, इस तरह कौन रह सकता है इस तरीके से,
यार मुझको ये समझाओ हाउ डू यू लिव लाइक दिस। जहाँ पर महिलाओं को लगा दिया पुरुषों ने, सारी सारी महिलाएं थे सारी सारे टोपी वाले सारे ओ भाई मैं देखो सारे मुसलमान टोपी वाले और बुरके वाले वहां पर इन सब से पूछो कि अल्लाह मियां कहाँ है आपका, अल्लाह मियां क्यों नहीं आपको दे रहा आटा, आपको अल्लाह मियां क्यों देने, अल्लाह के लिए आपने मुंह ढक लिया, लंबे से कपड़े झोपे कपड़े पहन लिए हैं, ये कह रहे मी माय टेल मी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, मुझे आप खुद बताओ ये वीडियो देखने के बाद कि इस्लाम का इसमें कसूर है कि नहीं है। Like all these people are Muslim, right? Or not just Muslim, they are Kattar Muslims. Kattar मतलब कि वो पूरा follow कर रहे हैं, उसमें से मुझे आप औरत दिखा दो, एक दो थी जिनकी शक्लें दिख रही थी, and this is where, let me see कि ये कौन सी जगह पे है। Pakistan भी कुछ पूछे। Breeding ground in Pakistan, TTP becomes so active. This is a line allegedly for Pakistan, Atta in Pakistan. ये नहीं लिखा हुआ है कहाँ से है, from Qasim Khan Suri. So I don't know कि वो कहाँ से है मगर that is ये क्या है video thread on oh shit ये नहीं दिखा सकते इसमें मारम कुटाई हो रही है इसमें भी कोई आटे की problem हो रही है so you can see कि ये videos के videos यहाँ पे डाले हुए हैं अब क्या कर रही है government कैसे आटा provide कर रही है इनको क्या कर रही है मगर हाँ एक काम जरूर कर रही है कि इंडिया के साथ अभी तो कोई बातचीत नहीं हुई है last मैंने सुना था कि मेरे ख्याल से या बिलावल भुट्टो को कोई बात करने के लिए कह रहे थे कि जो है वो बात करेंगे मगर आई डोंट नो आई हैवन हर्ड एनीथिंग फर्दर। इंडिया का आटा काफी है ना तो काफिरों का आटा भी काफिर हो जाता है तो ये ड्रामे चलते हैं इंडिया काफिरों के टमाटर भी तो फेंके थे ना लास्ट टाइम इन लोगों ने काफिरों के टमाटर भी फेंके थे इन्होंने तो काफिरों के टमाटर नहीं चाहिए काफिरों का ये नहीं चाहिए काफिरों की गाड़ियां फिर क्यों यूज कर रहे हो गाड़ी भी नहीं यूज करो बिजली भी मत यूज करो पानी भी मत यूज करो सब कुछ नहीं यूज करो भैया क्योंकि पानी पहुंचाना ये सारी चीजें काफिरों ने तुम लोगों को सिखाई थी तुम लोगों ने कहां से हुए जली टोपी वाले काले टेंट वाले यानी वही ना आपको उसमें से कौन सी ऐसी मॉडर्न बंदी दिख गई या तो ये कोई बहुत ही इंटीरियर की है जगह नॉर्थ की होगी हो सकती है बलोचिस्तान ही बलोचिस्तान या बलोचिस्तान की भी हो सकती है हु नोस जो इंटीरियर्स है ना आपके के पी के और इन जगहों पे तो ऐसे ही रहते हैं ना ये लोग ऐसे ही रहते हैं ये दिस इज द अफगानिस्तानी द होल तालिबानी कल्चर और सारे मर्दों को आप देख सकते कि टोपी वाले सारे थे वहां पर कोई आपको बगैर टोपी की थोड़ी नहीं हाय और लाइक करना मत भूलो वरना मैं चुपता लेके पहुंचूंगी तुम लोगों के घर पे और 60,000 कर दो भाई सब्सक्राइबर 60,000 सिर्फ 500 सब्सक्राइबर करना 400 सिर्फ 400 लोग रह रहे हैं 400 का सवाल है बाबा मुझे दुपट्टा लेकर आकर मैं अल्लाह से दुआएं करना शुरू करूंगी क्योंकि मेरा भरोसा आप लोगों पे से उड़ता जा रहा है सीरियसली उठता जा रहा है उड़ता नहीं उठता जा रहा है आप लोग नहीं करोगे तो मुझे अल्लाह मियां से मांगना पड़ेगा अल्लाह मियां प्लीज मेरे और किसी ने अभी तक कंट्रीब्यूट भी नहीं किया यार क्या क्या कर रहे हैं यार एक कंट्रीब्यूट नहीं है आधा घंटा हो गया यार कुछ तो करो इंडिया कोई भीख नहीं देगा पाकिस्तान को अरे भीख देने की बात थोड़ी है अभी जीत अभी क्या नाम है आपका अभी टेक भीख देने की बात नहीं है भाई आप अपना जो है ट्रेडिंग करें ना आप नेबर्स हैं आप देखो कनाडा यूएस है इनके प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं मगर ट्रेड चलते रहते हैं शिया काफिर सुन्नी काफिर आई नो ये क्या कह रहे हैं एक सेकंड अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन With overconfidence, getting food from Allah, wasting precious kids' brains in madrasa instead of real education. That is so true. That is so true. कि breeding grounds आपने बनाए हैं, 10-10 आप बच्चे पैदा कर रहे हो, यानी 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर रहे हो लोगों के साथ. So obviously ये तो होना ही है, right? ये क्या कहे मुझसे बात करो ना कराची से देख रहा हूँ बड़े प्यार से. हाय. अभी मैं देंगे सिम. अच्छा मलिक जी, एक और चीज बताना था. के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है